सभी चाहे तुम्हारे दोस्त इतना परेशान किसी को ब्लॉग बनाओ सही है सब तुम्हें चाहते हैं तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें चाहते हैं अल्लाह जल्दी अच्छी हो जाएगी प्रेस और अम्मी के बर्थडे के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई इंशाल्लाह दुआ करो मैं जल्दी अच्छी हो जाऊँ अल्लाह सब बहुत कुछ किया बहुत कुछ किया हम जानते हैं सब जानते हैं बच्चे जानते हैं सब जानते हैं और आज पहली बार मेरे बर्थडे मेरे दामाद खालिद मेरे साथ मुझे और अच्छा लगा है पहली बार ना हुए ना पहली बार हाँ, बस सब लोग लो अच्छे से सुन लो क्या कह रही है फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी आवा का बर्थडे सभी सभी तीनों बच्चों के दोस्तों से हम बस अभी बोलना चाह रहे हैं कि सब अच्छे से मिलके सबा के लिए दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए दुआ करा और मुझे यकीन है सब करेंगे बोला था सब मोहब्बत कर देते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह तुम परेशान ना हो बोलो आमीन और अल्लाह ताला तो सबको ठीक करता है तुम्हें ठीक करे तुम्हारे साथ खालिद है तुम्हारे साथ सनी है अच्छा अम्मी को ना खालिद बहुत ध्यान रखता है लोग बाहर मिलते हैं ना तो अच्छा रहता है ना खालिद चलो भाई अल्लाह हाफिज जा रही है हाँ दूध गर्म करके भेज देंगे चलिए तो हो गया बर्थडे सारे लोग चले गए यहाँ से खाना वाना खा के हम भी चलते हैं अंदर कोई आ गया है कौन आया इरफान ओ भैया आ गए तो अब हो गया सब आगे खाने का टाइम तो चलो उसको देते हैं खाना निकाल के क्योंकि भूखी है और उसको भूखा रखना नहीं है तो ये है सब का खाना दाल ये सैलेड जल्दी से खा लो हाँ क्या हो रहा है पूरा दिन हो गया ऐसे बैठे बैठे इरफान भी आ गया है तो अभी हम लोग क्या गए नीचे से चाय भाभी ने चाय बना के भेज दी है पीते हैं चाय हाँ भाई चाय पी जाए हाँ भाई चाय निकाल के आया फोन चलो भाई खाते हैं फिर आप लोग से खा के हम लोग मिलते हैं तो सब उठ गई सो के और इसके लिए लेके चलते हैं नारियल पानी जो मैंने पहले मंगा के रख लिए थे निकला भाई अस्सलाम वालेकुम तबीयत ठीक है नींद पूरी हो गई लो फिर जल्दी से इसको ही पी लो आप व्लॉग कब से बना रहे हो मैं व्लॉग कल से ही चला रहा हूँ कंटिन्यू व्लॉग बना रहे हैं पता नहीं क्या क्या शूट किया होगा थोड़ा थोड़ा मैंने शूट तो मैं ही करूँगी एडिट तो तुम करोगी थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया है लेकिन सब लोग समझते हैं ना तो ठीक है सब में जो गलतियाँ होंगी मुझे माफ कर देंगे अच्छा है ये क्या कर रहा है यहाँ पे गिर गया उठा दो 6:26 हो गया है शाम का दिन भर कुछ ना कुछ मेरे लिए ये ला के देना ये करके देना कोई बात नहीं कौन करेगा बाहर घूमा और भाभी ने मुझे चाय बना के भेजी है जब टोस्ट बहुत अच्छे थे खाया नहीं क्या भेजा अभी लिया तुम सो रही थी तो कोई क्या करे मैं सबसे ज्यादा चाय मिस कर रही हूँ और जैसे सब लोग कहते हैं ना कि गरम नहीं खाते ऐसे में नहीं पीते तो अम्मी का फोन आ रहा है चाय बहुत ज्यादा मिस करती हूँ आपको पता है चाय की दिन में 3-4 बार तो चाय पीती थी और अभी डर की वजह से स्टार्टिंग में मैंने 1-2 बार पी थी डॉक्टर कहते थोड़ी बहुत एक बार पी सकते हो जिंदगी भर चाय पीना है तबियत सही कर लो फिर चाय पीना इसमें ज्यादा पानी नहीं है पूरा पानी पी गई उसके बाद यार पानी नहीं आ रहा वाह भाई तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी थोड़ा सुकून है क्योंकि सबा का फेस भी अच्छा दिख रहा है मुझे आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बस अल्लाह ताला सब अच्छा कर दे और हमने अपना वो वीडियो भी डाल दिया था आप सबको बताने के लिए आज और उसमें बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं और आप सब यही कह रहे हो कि अल्लाह करेगा जो भी होगा अच्छा होगा बिल्कुल तो बहुत ऐसे हिम्मत आ रही है बस ऐसे हिम्मत आ रही है आप लोग के कमेंट से हिम्मत आई है मैं इतने समझा रहा हूँ उसको हिम्मत नहीं आ रही यार भाभी ने कहा था कि सनी के आने से भी सबका चेहरा थोड़ा ठीक हुआ इसलिए अच्छा हो गया चेहरा आज तुम्हारा मैं मोदा जाना है कैसा लग रहा है अच्छा लगेगा ना मोदा जाके और रिजल्ट कब आ रहा है सारा 10th मई को शायद लो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग ले रहे थे सेल्फी मूवी और देखते देखते लास्ट में तुम क्यों रोई तुम अरे वो ऐसे अच्छा हो गया सब अच्छा हो गया तो मैं रो दिया रेहान के फ्रेंड भी अम्मी को खाला खाला कहते हैं तो वो भी अम्मी को सरप्राइज देने के लिए आए थे क्यों इतना ख्याल
ख्याल रखने के लिए भी। और फ्रेंड्स आप सबका दिल से थैंक यू और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, क्योंकि आप सबने मुझे इतने मुश्किल टाइम पे जो हिम्मत दी है, दुआएं दी हैं, इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं बस आप सबको दुआ ही दे सकती हूँ और बहुत सारी दुआएं बताई हैं आप सबने। बहुत सारे ऐसे भी बहुत सारे मेल्स मैसेज आए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे उससे काफ़ी हिम्मत आती है। जब भी मुझे कभी ऐसी घबराहट होती है, तबीयत ठीक नहीं लगती, तो मैं वाले मेल्स वाले मैसेज फिर से पढ़ लेती हूँ कि जब उनके साथ ऐसा हुआ था और आगे जाके सब अच्छा हो गया है, तो अल्लाह मेरे साथ भी अच्छा करेगा इंशाल्लाह।